हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग छठ पूजा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बोले लोई में छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है और अब तो इसे देश दुनिया के कोने कोने में भी मनाया जा रहा है। छठ पूजा 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है और आज है छठ पूजा का पहला दिन, जिसे हम लोग नहाए खाए भी बोलते हैं। आज ही के दिन गेहूं को धो करके सुखा लिया जाता है प्रसाद बनाने के लिए। आज का खाना बिल्कुल सात्विक होता है और इसे शुद्ध घी में बनाया जाता है। आज के दिन लौकी का भी खासा ही महत्व होता है और आज के भोजन को व्रती नहा करके ही ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि इस साल कोरोना की वजह से हम कोई भी फेस्टिवल पब्लिक के बीच में सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने छठ पूजा को भी अपने छत पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके लिए हम एक छोटा सा पंडाल बना रहे हैं जो आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे हम लोग खरना के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन प्रसाद के रूप में गुड़ वाली खीर और आटे की रोटी बनाई जाती है। गुड़ वाली खीर को हम लोग रसियाव भी बोलते हैं, इसलिए आज के दिन को रसियाव रोटी के नाम से भी जानते हैं।
प्रसाद बनने के बाद उसकी पूजा की जाती है और परिवार के सारे सदस्य बारी बारी से आकर के आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ही प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन आरंभ हो चुका है। अभी लगभग रात के 2:30 बज रहे होंगे और अभी से ही प्रसाद बनने का काम शुरू हो चुका है। प्रसाद में सबसे पहले गेहूं के आटे की पूड़ी और गेहूं के आटे का ही ठेकुआ गुड़ में मिला करके बनाया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं।
हमारा प्रसाद बन करके तैयार हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। और अब बारी आती है फलों का। तो वीडियो में आप लोग बहुत सारा फल देख रहे हैं। इन सारे फलों को हम लोग धो करके सुखा लेंगे और उसके बाद ही हम लोग इसको पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। छठ पूजा में कोसी भरने के लिए गन्ने का भी प्रयोग किया जाता है और हमारे यहाँ गन्ना आ चुका है और अभी गन्ने की भी अच्छे से सफाई हो रही है। इसको अच्छे से साफ करके धो लिया जाएगा और उसके बाद रात में कोसी भरने के काम में इसको लिया जा सकेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रसाद लगभग तैयार हो चुका है और हम लोग इसे सजा चुके हैं। तो अब हम लोग तैयार होके घाट के लिए निकलेंगे और इस बार कोरोना की वजह से हम लोगों ने अपना घाट छत पे ही बनाया है, जो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग सीधे आपसे मिलेंगे छत पे। और आप लोगों ने अपना छठ कहाँ पे सेलिब्रेट किया, छत पे या घाट पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राखी श्रद्धालु बंधु एवं छठ व्रती माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।